हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सिंपली रन यूपीएससी चैनल। इंडियन एक्सप्रेस में आज के दिन में यूपीएससी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ छोटे मोटे आर्टिकल हम लोग उसको देख लेते हैं फटाफट। पहले देखिए चीता प्रोजेक्ट के बारे में। आपको पता होगा 20 चीता हम लोगों ने अफ्रीकन कंट्री से ट्रांसलोकेट किया था इंडिया में, एमपी में कूनो नेशनल पार्क पे। उसमें से 8 चीता हम लोगों ने पहले सितंबर में लाया नामीबिया से, फिर हम लोग 12 चीता लाए थे फरवरी में साउथ अफ्रीका से। अभी अपडेट क्या है, ये 5 एडल्ट और 3 कब्स जो है ये रिसेंटली मर गए अलग अलग कारणों की वजह से। इसलिए क्वेश्चन में आया ये मुद्दा कि चीता मर रहे हैं तो ये जो चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट था क्या ये सक्सेस रहा कि नहीं रहा, तो इस पर डिबेट चल रहा था। इसके बैकड्रॉप में अभी क्या हुआ, रिसेंटली जितने भी फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं, साउथ अफ्रीकन और नामीबियन चीता एक्सपर्ट्स जो है, जो इंडिया में मेंबर हैं, जो चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी के मेंबर हैं इंडिया में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लिखा कि उन्हें अंधेरे में रखा जा रहा, उनको डेटा नहीं मिल पा रहा, उनको राइटली इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा, जिससे चीता को शायद अच्छे मॉनिटरिंग से प्रोटेक्ट किया जा सकता था। तो ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये अपडेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे इसके ऊपर डायरेक्टली सवाल नहीं आएगा कि फॉरेन एक्सपर्ट ने क्या बोला, ये एज अ पॉइंट की तरह आएगा। अब जब चीता के ऊपर क्वेश्चन आएगा चीता ट्रांसलोकेशन पे कि सक्सेस रहा कि फेलियर रहा, या आपका ओपिनियन पूछेगा, हाईली अनलाइकली, पर अगर पूछेगा तो ये पॉइंट की तरह आप लिख सकते हो। अब नो ट्रस्ट मोशन लोकसभा में जो अलाउ किया गया था स्पीकर द्वारा, अब इसका सुनवाई, इसका डिबेट और इस पर वोटिंग 8 अगस्त को होगा। तो ये दिन नोट कर लीजिए भाई, पार्लियामेंट का संसद टीवी पर अपडेट जरूर देखिएगा, यूट्यूब पे भी संसद टीवी पर देख सकते हो। इसका बेनिफिट ये है, देखिए आपको एक रियल सेंस मिलेगा कि नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या। हम लोग कल लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं और देखने का अलग फीलिंग है। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग डेटा शेयर हुआ है, यहाँ पे बताया है कि जो 20% ऑफ टाइगर एरिया है इंडिया में, यानी कि लगभग 1/5 ऑफ द टोटल टाइगर एरिया जो इंडिया में है, उसमें लेस देन 1% ऑफ टाइगर्स। आप समझिए कि टाइगर का एरिया समझिए इंडिया में ये है, ये है, ये है, ये है, इतने सारे टाइगर्स एरिया मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली। अब उसमें क्या है, समझ लिए 20% जो एरिया है वहाँ पे सिर्फ 1% टाइगर है, बाकी 99% टाइगर पूरे अक्रॉस फैले हुए हैं। जस्ट इमेजिन द स्क्यूनेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये एज अ पॉइंट आप लिख सकते हो, स्क्यूनेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टाइगर एंड हाउ इट इम्पैक्ट देयर पॉपुलेशन इन जनरल, और फिर गवर्नमेंट के फंड को भी कैसे इम्पैक्ट करता है, प्रोजेक्ट टाइगर को कैसे इम्पैक्ट करता है, सब पे आप एक पॉइंट लिख सकते हो चाहो तो। बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए बस कि ऐसा कुछ आंकड़ा दुनिया में चल रहा है। अब देखिए इन पार्लियामेंट में आते हैं, इसमें ये वाला पेज मैं आज के टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा अलॉन्ग विद द एक्सप्लेन पेज। इसमें भी देखिए कुछ बिल्स के बारे में डिस्कशन हुआ है, दिल्ली सर्विसेज बिल के बारे में डिस्कस हुआ है। तो आपको पता होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस में, उसके 8 दिन बाद गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस इशू किया था फॉर द गवर्नेंस ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उस ऑर्डिनेंस के बाद जब लोकसभा स्टार्ट हो गया तो गवर्नमेंट उसको बिल की तरह ला रही है ताकि ऑर्डिनेंस को रिप्लेस किया जा सके एक लॉ के साथ। तो वो बिल इंट्रोड्यूस किया गया, उस पर डिस्कशन हुआ। तो आपको इसके कुछ प्रोविजंस का अवेयरनेस होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इसका गवर्नेंस इन जनरल बहुत डिस्प्यूटेड है, मोस्ट डिस्प्यूटेड है। तो आपको समझना है कि यूनियन टेरिटरी जो होता है, खासकर यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर जो होता है, उसके फंक्शनिंग में इंडिया में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उसके गवर्नेंस में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उसके अंदर ये पॉइंट वेरी रेलिवेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए एक और बिल का जानकारी दिया गया है, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन पीरियोडिकल बिल इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल 1867 जो था वो फर्स्ट बिल था। अब उसको अमेंड करने के लिए, उसको अपडेट करने के लिए बिल लाया गया है। इसमें क्या है, बिल को थोड़ा वाटर डाउन कर दिया गया है, कुछ कुछ प्रोविजंस को लेस स्ट्रिक्ट कर दिया गया है एंड ईज कर दिया गया है कि लोग चीज़ों को इजीली पब्लिश कर सके, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन और नॉर्म्स को भी काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया गया और कुछ एडिशनल लॉन्स भी लाए गए, इसलिए ये बिल्स के बारे में आपको हल्का, इसके प्रोविजन के बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। इसलिए मैं ये वाला पेज शेयर करूंगा और ये हाईलाइटेड पार्ट है, उसको रीड कर सकते हो। अब एक्सप्लेन पेज में चारों आर्टिकल वेरी इंपॉर्टेंट, आप चाहो चारों का चारों पढ़ सकते हो, इसलिए मैंने बोला ये भी पेज मैं शेयर करूंगा आज। इसमें WHO का एक रिपोर्ट आया है जिसमें वो टोबैको कंट्रोल पे जितने कंट्रीज हैं उनके इनिशिएटिव्स पे फोकस किया है कि कंट्री कैसे परफॉर्म कर रहे हैं टोबैको कंट्रोल पे, उस पर एक अच्छा स्टडी है, उसमें इंडिया के बारे में भी जानकारी दिया है। ये वाला पार्ट पढ़ना आपके लिए वेरी रेलिवेंट, इसलिए मैं ये पे शेयर करूंगा। साथ ही साथ आपको पता होगा कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज एक मेथड है जिससे हम लोग CO2 एमिशन एनवायरमेंट में कम कर सकते हैं, तो उसके बारे में जानकारी है कैसे कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज जो मैकेनिज्म है वो कैसे एमिशंस कट कर सकता है और कैसे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में हेल्प कर सकता है, उसके रिगार्डिंग जानकारी दिया गया। डेफिनेटली स्टडी करना आपको जरूरी है, एग्जाम में डायरेक्टली नहीं भी पूछे, चांसेस तो है कि 10 मार्कर में इनसे पूछ दे, पर अगर नहीं पूछे तो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगला आर्टिकल देखिए, लिखा हुआ है सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज। देखिए ओबीसीज 1980s में जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया था उसी के आसपास से ओबीसीज हमेशा से इंडिया में न्यूज में रहे हैं। ओबीसी का रिजर्वेशन, जॉब रिजर्वेशन, एजुकेशन रिजर्वेशन, 50,000 चीज, कौन ओबीसी में आना चाहिए, कौन ओबीसी में नहीं आना चाहिए, पूरा जानकारी दुनिया भर में चलता रहता है। एक जस्टिस जी रोहिणी कमीशन गवर्नमेंट ने बनाया था कि ओबीसी के अंदर सब कैटेगराइजेशन कैसे किया जाए,
उसका रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं हो पाया था, 13 एक्सटेंशन मिल गया था उसको। अब फाइनली वो रिपोर्ट सबमिट हुआ है, उसके कुछ डिटेल्स का यहाँ शेयरिंग शेयर किया गया, आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए अगर आपको इस पूरे इशू को और समझना है। तो अगला आर्टिकल है, लोकसभा में एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ था कुछ दिन पहले 28-27 जुलाई को आयम्स के ऊपर, तो उसमें क्या कंसर्न्स रेज किए गए हैं आयम्स के ऑटोनॉमी के ऊपर, उसके रिलेवेंट में कुछ जानकारी दिया। बेसिकली एक बिल के बारे में, कैसे आयम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है उनके प्रोविजंस के ऊपर, उनके ऑटोनॉमी के ऊपर थोड़ा डिस्कशन है जो इस बिल में दिया गया। नए प्रोविजंस ऐड किए गए, कुछ प्रोविजंस रिमूव किए गए हैं, तो उसके बारे में जानकारी आपको यहां से मिल सकता है। डेफिनेटली आपको रीड करना चाहिए, एक एजुकेशन सेक्टर का स्पेशली हायर एजुकेशन और मैनेजमेंट एजुकेशन के लिए आपको अच्छा अपडेट मिल सकता है। तो ये पेज और इन पार्लियामेंट पेज दोनों मैच टेलीग्राम के ऊपर शेयर करूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डालूंगा, वहां जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो दैट्स इट, आई होप आपको इनिशिएटिव अच्छा लगा। इफ यू लाइक दिस इनिशिएटिव देन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बेस्ट विशेस फॉर द एग्जामिनेशन।